नमस्कार दोस्तों, BSET क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं। और आपको अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कितना आप स्कोर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके RRB, NTPC और RRB ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से किस नियम के अंतर्गत कामगारों को बिना अनुमति के चाय के बागानों को छोड़ना निषेध था। मतलब वो बिना परमिशन के लिए चाय के बागानों को नहीं छोड़ सकते थे, मतलब एक तरीके की बंधुआ मजदूरी कर रहे थे, तो किस नियम के तहत कर रहे थे। और ये असम में ज़्यादातर था, क्योंकि असम में चाय उगाई जाती है, तो असम में ये इस तरीके का ये जो था अधिनियम लागू था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है, इनलैंड एमिगेशन अधिनियम 1859। ठीक है, तो इस नियम के तहत चाय के बागानों को कामगार नहीं छोड़ सकते थे, एक तरीके की बंधुआ मजदूरी कर रहे थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उस पौधे का नाम बताइए जिसका प्रयोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए किया जाता है, और केवल भारत में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पौधा केवल भारत में पाया जाता है, और दूसरा ब्लड प्रेशर में यूज होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्पगंधा एक जो है और जड़ी बूटी है, औषधि है, इसका प्रयोग रक्तचाप में किया जाता है, और ये केवल केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है, तो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है नागपुर। और नागपुर जो है किसके लिए फेमस है, ये संतरे के लिए फेमस है। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर की भी दो राजधानियां हैं। ठीक है, तो हमारे कई राज्य हैं जिनकी दो राजधानियां हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती काफ़ी फेमस हैं, और इनकी दरगाह है अजमेर शरीफ में, अजमेर में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ठीक है, और ये जो है मोहम्मद गौरी के समय, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और उस समय अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 19वीं सदी में जब भारत में पाश्चात शैली यानी विदेशी फॉरेन के जो परिधान मतलब वस्त्र होता है, वस्त्र भारत आए, तो सबसे पहले इन्हें किसने अंगीकृत किया यानी किसने स्वीकार किया, मतलब सबसे पहले किन लोगों ने जो विदेशी वस्त्र थे उनको पहनना या उनको स्वीकार किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पारसी लोगों ने सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट किया था, और ये 19वीं सदी में व्यापार हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? ठीक है, हमारे यहाँ दो भाषा परिवार चलते हैं, जैसे द्रविड़ भाषा परिवार और है आर्य भाषा परिवार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, कोंकणी, ये भाषा बोली जाती है गोवा में। ठीक है, गोवा की भाषा है, और ये जो है आर्य परिवार का हिस्सा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, आपको बताना सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH7 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे लंबा आपको बता दिया है, ठीक है, NH7 हो गया, आपको बताना है अब सबसे छोटा कौन सा है। कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है। राइट इंडिया अभियान के एक अभियान का नाम है राइट इंडिया, जिसके तहत प्रीति शिनॉय और अमीश जैसे बहुत से प्रसिद्ध लेखक जुड़े हुए हैं। ये काफी फेमस राइटर हैं प्रीति शिनॉय और अमीश, ये जुड़े हुए हैं। ये किसकी पहल से है, मतलब ये कौन चला रहा है इस मुहिम को? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये मुहिम छेड़ी है, और इसके तहत राइट इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो मुद्रा का प्रथम रूप क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बिटकॉइन क्रिप्टो मुद्रा का प्रथम रूप है। ठीक है दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं ये जो है क्रिप्टो मुद्रा यानी बिटकॉइन को सबसे पहले किसने बनाया है, मतलब कौन है इसका जन्मदाता? तो उनका नाम आपको लिख के बताना है। ताना आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है, ताना
आंदोलन ये बिहार में था और ये शुरू किया था जत्रा उर्राव, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने ये शुरू किया था और इसका कारण था लगान की कीमतों में काफ़ी वृद्धि कर दी गई थी, जिससे उस समय के किसान बहुत परेशान थे, तो इन्होंने जो है इस तरीके का आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जत्रा उर्राव, ऑप्शन सी सही है। उलगुलन आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? इसको बिरसा मुंडा आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये बिरसा मुंडा ने चालू किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा। दोस्तों आपको बताना है कि बिरसा मुंडा का संबंध किस जगह से था, भारत की किस जगह से संबंधित थे बिरसा मुंडा। ठीक है, कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? मतलब इसमें से चार में से कौन सा ऐसा अंग है जो महिलाओं में नहीं होता? तो शुक्रवाहिका, ये पुरुषों का जो है जनन अंग है, ये महिलाओं में नहीं पाया जाता। बाकी के तीन आप देख रहे होंगे, ये सब महिलाओं में होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ये महिलाओं में नहीं, ये पुरुषों में पाया जाता है शुक्रवाहिका। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। देखिए, एक्स एक्स मतलब हमें पता नहीं है क्या है, पीले रंग का एक पाउडर है, ठीक है, और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है और यह कास्टिक चूने के साथ क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। तो आपको बताना है ये कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, CaO Cl2, ठीक है, और इससे क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है और ये कीटाणु मुक्त करता है पानी को, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डुबोई जाती है, देखिए नीले रंग का कॉपर सल्फेट का घोल है, उसमें हम लोहे की वस्तु को डुबो रहे हैं, तो घोल पर हरे रंग में बदल जाती है, तो घोल हरे रंग में बदल जाता है। जो नीले रंग का घोल था वो हरे रंग में बदल गया कॉपर सल्फेट को की के घोल में जब लोहे की वस्तु डाली, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है आयरन सल्फेट का बनना, आयरन सल्फेट की क्रिया के द्वारा ये हरे रंग में बदल जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया होगा, वहाँ से मिल जाएगा, तो आप लोग PDF निकाल सकते हैं, इसका सेव करके रख सकते हैं अपने पास अपने रिवीजन के लिए। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो आपको मालूम होगा पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नागौर एक जगह है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो शेख हामिदुद्दीन की मजार नागौर में है, ये एक सूफी संत थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कुल्लू घाटी ये एक दर्शनीय स्थल है और काफी फेमस है, ये किसके बीच में स्थित है? तो आपको बता दें ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में एक स्थित रमणीय घाटी है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। सोपान कृषि, सोपान का अर्थ होता है स्टेप, स्टेप बाय कृषि कहाँ की जाती है? देखिए पहाड़ी क्षेत्रों की जो ढलानें होती हैं वहाँ पर स्टेप बाय खेती की जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पहाड़ों की ढलानों पर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। झारखंड में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है? कौन सा ST समुदाय जो है वहाँ पर मतलब रह रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संथाल नाम की जनजाति जो है झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? ठीक है, तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की ये नीति काफी फेमस रही है। किस देश ने पहली बार एक ऐसी ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM, देखिए ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये खुद में एक क्वेश्चन है, तैयार किया है जो चेहरा पहचानने का कार्य करती है, मतलब वो फेस पहचान सकती है। ठीक है, तो ये बनाया है चीन ने, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चीन ने एक ऐसा ATM बनाया है जो आपका चेहरा पहचान सकता है और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं अपने पैसे निकालने की, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है।
चंडी देवी मंदिर, ये काफी फेमस मंदिर है। चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार जो है एक जो है पूजनीय और एक रमणीय स्थल है जो उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में है और ये पिथौरागढ़ भी उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। मुगल काल में मौलिन था, क्या था? एक कर था, एक प्रशासनिक इकाई थी, एक शासक था, एक जहाज था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मुगल काल का एक जहाज था। ऑप्शन डी राइट है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का नृत्य है, कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? देखिए दोस्तों, पहले आप जानते थे कि रंगीन टीवी आने से पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करते थे, और उससे पहले जो थे बिना आवाज वाली टीवी थी, मूक चलचित्र जिन्हें कहा जाता है, वो चला करते थे। तो फिलहाल क्वेश्चन ये पूछ रहा है रंगीन टीवी का प्रसारण कब चालू हुआ। तो वर्ष 1982 में जो है रंगीन टीवी का प्रसारण चालू हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये मैं पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बाईवी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं विजय केलकर। पिचर शब्द किससे संबंधित है? तो ये पिचर शब्द बेसबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है? ये का आत्मकथा है राहुल सत्यनारायण की। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये राहुल जी की है मेरी जीवन यात्रा। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र पे काफी मतलब रचनाएं लिखी। इन्होंने का मानना था कि व्यक्ति को जितने अनुभव घूमने से या यात्रा करने से प्राप्त होते हैं, उतने अनुभव किसी और चीज से प्राप्त नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा कर टैक्स केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। राजस्व कर जो है केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए गैस प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा जोड़ता है? तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार की मान्यता है, यानी ये दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पुरस्कार ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है? तो अमीर खुसरो जो थे सितार के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। ऋग्वेद में वासगे वाय ये एक शब्द है। वासगे वाय ये क्या था? ये बढ़ईगिरी करना, वस्त्र बुनना, रथ बनाना या चमड़े का काम करना? तो ये वस्त्र बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई, तब भारत का वाय सराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। त्रिमुखी ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है। तो ये एलिफेंटा गुफा में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मोमबत्ती की लपट, देखिए मोमबत्ती जब जलती है तो उसकी लौ में कई सारे जो हैं वो होते हैं पार्ट होते हैं। कुछ येलो कलर का होता है, कुछ ब्लू कलर का होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक गर्म कौन सा भाग होता है? तो सबसे अधिक गर्म जो भाग होता है वो होता है मध्य प्रदीप्त क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है और इसे XE से डिनोट करते हैं? और ये गैस है जिनॉन
ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में किस एक का घनत्व सर्वाधिक है? तो आप क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, जल, बर्फ। तो आपको बता दें जल का गर्फ जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा होती है इन सब में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। रबड़ के व्यापारिक वल्नीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गंधक का प्रयोग किया जाता है। गंधक को सल्फर भी कहते हैं और इसे एस और एस के नीचे एट, एस एट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका डिनोट करने का वो है तरीका, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 30 डिग्री टेम्परेचर से, इससे मतलब है रूम टेम्परेचर। ठीक है, 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के तापमान को रूम टेम्परेचर यानी कमरे का ताप कहा जाता है। और इससे पूछ रहा है कि तीन धातुएं द्रव में परिणित होंगी, तो वो तीन धातुएं कौन सी हैं? तो वो ऑप्शन डी है, एच जी, जी ए और सी एस। ये तीनों धातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, कमरे के ताप पर। देखिए, हम किसी चीज़ को पीएच वैल्यू से नापते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो पीएच 2 वाला घोल पीएच 6 वाले घोल से कितना गुना अम्लीय होगा? अम्लीय तो दोनों होंगे क्योंकि दोनों का जो है पीएच वैल्यू 7 से कम है। 7 पे हमारी जो होती है वो न्यूट्रल होती है, 7 से कम पे एसिडिक होता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है ये कितने गुना ज़्यादा अम्लीय होगा, तो ये 10 की पावर 4 गुना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी कमरे में एक कोने में परफ्यूम की एक खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, इसका क्या कारण है? जैसे आप लोग एक परफ्यूम की बोतल टूट जाती है या फिर खुल जाती है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है विसरण नाम की प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए ही पूरे में परफ्यूम की स्मेल फैल जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एक जो है रोग है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है नाइट्रेट, नाइट्रेट नाम का जो है तत्व इसका कारण है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कीटहारी यानी कीट भक्षी, ऐसे पादप जो कीटों को खाते हैं क्या कहलाता है? कौन सा जो है कहलाता है? तो घटपर्णी एक पौधा है जो कीटों को खाता है यानी कीट भक्षी है। ठीक है दोस्तों, ये कीटों को खाते क्यों है, मतलब खाते क्यों हैं, इसके पीछे की कमी है क्योंकि जहाँ ये पाए जाते हैं, जिस भूमि में ये पाए जाते हैं, जिस मिट्टी पे ये पाए जाते हैं, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी बहुत अधिक हो जाती है, यानी इनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती और अपने शरीर में ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों को खाना शुरू करते हैं और कीट भक्षी पौधे बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ केवल कीट भक्षी पौधे ही उत्पन्न होंगे। ऑप्शन बी सही है। व्यायाम के दौरान मानव शरीर से पसीना आना, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं फिर हमारे शरीर से पसीना आता है, ये किस प्रक्रिया को इंगित करता है, किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ये परासरण के नियम को दर्शाता है। आपने परासरण और विसरण पढ़ रखा होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ठीक है, पिछली शताब्दी, ये 21वीं शताब्दी चल रही है, पिछली शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या मानी गई? रुधिरवर्ग, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज या जीन? तो जीन की खोज पिछली शताब्दी की सबसे इंपॉर्टेंट खोज थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। किस राज्य ने कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है? मतलब आप कृषि करना भी एक व्यापार है, एक उद्योग है, तो ऐसा दर्जा देने वाला कौन सा राज्य है? तो ऐसा दर्जा देने वाला ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र ने सबसे पहले कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है। ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों, ये था हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा, जो भी सुधार आप चाहते हो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम और ज्यादा अच्छा कर पाए आपके लिए। और ये क्या आपके लिए यूज़फुल है, आपको मतलब इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। आप चाहें तो क्वेश्चन की जो है संख्या को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, जैसा आपकी सुविधा के अनुसार हो। तो प्लीज़ बताइए, नहीं फीडबैक ज़रूर दीजिए अपना। धन्यवाद।